हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य रंजन फ्रॉम बिहार। आज मैं अरियांशी शर्मा के साथ हूँ। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछने जा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा आप इन्फ्लुएंसर हैं, रील स्टार हैं, तो क्या एक इन्फ्लुएंसर होना बहुत ज़्यादा ईजी है या कम्फर्टेबल है हमेशा? नहीं नहीं, इतना कम्फर्टेबल नहीं। लोगों को लगता है कि रील्स ही तो बनानी है, 5-10 मिनट का काम तो है, बट ऐसा नहीं होता है। रोज़ तुमको रेडी होना है। पहले आई यूज़ टू पोस्ट थिंग्स डेली, मतलब डेली पिक्चर फोटोशूट भी करवाती थी, बट अभी जैसे जैसे इंस्टा का एल्गोरिदम चेंज हो गया तो अब इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। तुम कंटेंट कितना अच्छा डाल रहे हो, लोग कितना उसको वो कर रहे हैं, तो इतना इजी नहीं होता है। हम लोग जैसे मार्केट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे भी पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है चीज़ें कि लोग आ रहे हैं हमारे पास कितना ये, और धीरे 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 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जैसे आपके इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या कुछ भी, आप बहुत ज़्यादा फेमस भी हो, लोग आपसे मिलना भी पसंद करते हैं, तो आगे क्या आप, मतलब आपका कुछ प्लान है, वेब सीरीज़, OTT या कुछ और? हाँ, मेरा प्लान तो है। अभी मुझे बिग बॉस OTT का भी आया था ऑफर, मतलब एंडेमॉल वालों के थ्रू डायरेक्ट तो था अभी, बट आई वॉज नॉट रेडी, इंटरनली भी बोल सकता है, क्योंकि अभी आई डोंट, मतलब मैं खुद को उस लेवल पर अभी नहीं देखती हूँ। तो अभी नेक्स्ट जाऊंगी, सीरीज़ वगैरह भी करूंगी ऐसे। अभी मेरा और तुषार का एक सॉन्ग भी आने वाला है DMF की तरफ से, देसी म्यूजिक फैक्ट्री है, उनकी तरफ से आने वाला है हम दोनों का सॉन्ग। और जैसे आपने बहुत सारे इवेंट किए हैं, सेलिब्रिटी फेस के साथ भी इवेंट किए हैं, बहुत सारे सिटीज़ में किए हैं, जयपुर में किए हैं, फिर अहमदाबाद में किया आपने, आपकी फेवरेट सिटी या कौन सा फेवरेट आपका क्लाइमेट रहा है अभी तक का? फेवरेट सिटी फिलहाल तो हमने अभी तक दो ही इवेंट करे, एक जयपुर एक और एक ये वाला अहमदाबाद का था, तो दोनों सिटीज़ ही खुशी, बट जयपुर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा, हाँ। जैसे मैम हम लोग हैं या हम जैसे लोग हैं या और भी लोग हैं, सबको आगे बढ़ना है, सबको उस फील्ड में आगे जाना है, तो आपका कुछ सजेशन होगा? हाँ, कुछ भी नहीं बोल सकते, उतना बोल सकती हूँ कि कंसिस्टेंसी तुम्हारे काम के लिए, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है, बहुत सारे लोग रीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, तो एक वो पीक पॉइंट आता है हमारी। इनफैक्ट हम इतने, मतलब अभी इतना कर चुके हैं, 5 मिलियन होने वाला है मेरा, बट अभी भी मैं ऐसे बहुत बार डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मेरी ID में कुछ दिक्कत आता है, कुछ ग्लिच आता है कि छोड़ दे, तो वो पीक पॉइंट होता है ना, उस बैरियर को ओवरकम करना चाहिए, मतलब तब हमें मेहनत करनी चाहिए कि नहीं हमें अब तुमने सोच लिया तुमको ये करना है लाइफ में, तो तुमको उसके लिए हार्डवर्क करते रहना है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब पता लग जाता है कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन बी हमेशा रखना चाहिए, AB। ये फील्ड ऐसी है कि निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो फिर नहीं निकल पाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, हाँ मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके 3 साल से 100K पे अटके हुए हैं, मतलब 90 होता है, 100K हो जाता है, 80K हो जाता है, पर वो फिर भी इसी में, तो हम उसको बोलते हैं कि ऑप्शन बी तो होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसा है तुम्हारे में तो तुम लीव इट, सेकेंड ऑप्शन दे। जैसे मैम आज आप सेलिब्रिटी फेस में आई, अपने फैंस से मिली, हमसे मिली, फोटोशूट भी हुआ, रील शूट भी हुआ, आपको कैसा लगा आज आके? मुझे बहुत, मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगता है राघव सर के साथ तो काम करके, सेलिब्रिटी फेस के साथ काम करके हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है, बाकी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू एवरीवन ये इंटरव्यू देखने के लिए।